पर मतदान होना है। इस पर आपको बता दें कि 14 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में पांचवें चरण के मतदान से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और देश गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या फिर कोई नई कहानी लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनावी प्रकरण पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इसमें राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे दिग्गज जो चेहरे हैं वो मैदान में हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सीधा लखनऊ लेकर चलेंगे, शशांक श्रीवास्तव के पास, जो लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उनसे अब जानेंगे कि क्या समीकरण लखनऊ में इस वक्त बन रहे हैं। शशांक, क्या चुनावी माहौल है, जनता के बीच क्या उत्साह है और क्या वहां का जातीय समीकरण इस वक्त बन रहा है? चलिए आपको बता दें कि 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, साध्वी निरंजन ज्योति हो, स्मृति ईरानी हो, जीतन प्रसाद हो, और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ। शशांक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही है जी। शशांक बताएं, क्या है राजधानी लखनऊ का मूड और क्या जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगी इस बार? देखिए, साफ तौर पे हमारे साथ लखनऊ की जनता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में बहुत बड़ा चेहरा है, यानी देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता का क्या मन है, यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, सीधे बात करते हैं नेशनल लाइन पर। सिर्फ जिस तरह से लग रहा है, क्या चीजें निकल के सामने आ रही और कांटे की टक्कर किस तरह से मानी जा रही है, लोग जाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन है समाजवादी पार्टी से, पूनम सिन्हा है, और उसके बाद में एक तरफ राजनाथ सिंह है। तो क्या लगता है आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ऐसे में राजनाथ बेटा पीछे होने वाली है और जो अन्य विपक्षी दल है उनके बारे में क्या? देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी, कल परसों राजद में माननीय राजनाथ जी की सभा हुई, माहौल यहाँ देखने को मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पे चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, और जो भी हमने कांग्रेस की अब तक सभाएं देखी, 30-40 लोग भी कुर्सी नहीं भर पा रही हैं, और गठबंधन पे लोग बिलीव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वो घूमने टहलने आई हैं अपना और अपनी बेटी को लेकर के आई थी, वो देखा हम लोगों ने। राजनाथ जी जमीनी नेता है और उनसे मिलने में जितनी आसानी होती है, शायद ही कोई ऐसा सांसद हो या गृह मंत्री होते हुए भी हम सब उनसे मिल लेते हैं, और अगर कोई काम होता है तो हम लोग आसानी से काम होता है। और उनके जो बेटे हैं माननीय नीरज सिंह जी और पंकज सिंह जी, उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया युवाओं में, और खासकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत खुश हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा लीड से राजनाथ सिंह जीतेंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी खुल के सामने आ रहा है। जी, एक बात और निकल के सामने आती है, अगर बात करें राजनीतिक समीकरणों की, तो कहीं ना कहीं जो चीज देखी जा रही है, कलवे जब्बार साहब, कलवे सादिक साहब, मौलाना फिरंगी रशीद फिरंगी नैनी साहब, इनसे सभी लोग मिल रहे हैं और सबको आश्वासित कर रहे हैं। अगर लखनऊ की बात करें, तहजीब का शहर कहा जाता है, और ऐसे में मुस्लिम वोटर जो है कहीं ना कहीं अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाए, क्योंकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूँ, तो ऐसे में मुस्लिम वोटर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किधर जाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर राजनीति का हर दौर देखा है, अटल जी यहीं पर खड़े होकर के भाषण दिए थे बतौर प्रधानमंत्री, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या समीकरण होने वाले, किसका किस केंद्र जाने वाले? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कर्म भूमि है, जिसको आगे बढ़ाने का काम माननीय राजनाथ सिंह ने किया है, और अटल बिहारी ये चाहते थे कि उनका अक्स अगर किसी में दिखता है तो माननीय राजनाथ सिंह में दिखता है, और राजनाथ सिंह जी ने ये साबित किया पिछले 5 सालों में, कोई एक ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। आप जितने मौलाना मिले सब ने उनके सपोर्ट में आए, आज आप किसी मुस्लिम साथी से पूछिए वो ये कहेगा, ठीक है, हो सकता है उसकी बात। चलिए आपको बता दें कि जो लखनऊ की जो जनता है वो लगातार राजनाथ सिंह के काम गिना रही है। सीधा आपको लेकर चलेंगे संजीव के पास, जो लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ मोहनलालगंज से। संजीव, क्या वहाँ का समीकरण बन रहा है, कितना उत्साह है लोगों के अंदर परसों के चुनाव को लेकर? करा रहा हूँ
ये अपना जो है वोट देंगे और सभी प्रत्याशी जो है आज शाम को 5 बजे तक की जो है चुनाव प्रचार की जो है समय सीमा जो है समाप्त हो गई। हम सीधे बात करते हैं यहाँ की जनता से, इनके मन की बात जानते हैं। संजीव, क्या वहां माहौल बन रहा है लोगों के बीच में? दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं यूपी के चुनाव में, क्या माहौल है वोटर्स का अपने प्रतिनिधियों को लेकर? चलिए संजीव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सिग्नल का इशू है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के जो चुनावी माहौल है वो और गर्मा गया है, क्योंकि तमाम जो पार्टी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो अपने दिग्गजों के साथ मैदान में है। सीधा आपको लेकर चल रहा है लखनऊ शशांक के पास, जो हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। शशांक, अगर मैं बात करूं राजनाथ सिंह की, अभी बात चल रही थी, तो कितने काम उन्होंने किए हैं 5 साल में कि जनता उनको दोबारा चुने? निश्चित तौर पे ये सवाल सबसे बड़ा है जो देश की जनता जानना चाहती, प्रदेश की और खास तौर से राजधानी की जनता और विपक्षियों के लिए भी ये जरूरी है कि आखिर वो क्या काम है, किस बल पर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी पर और अटल जी के कर्म भूमि पर अपना मार्ग फिर से प्रशस्त करेंगे, फिर से जीत दर्ज कराएंगे। मनोज जी, सीधा सवाल आ रहा है दिल्ली से, ये बताइए वो 5 काम बता दीजिए जो काम कराए हैं राजनाथ जी ने, और वो काम जिनकी वजह से आपको लोग चुनेंगे, यानी राजनाथ जी को लोग चुनेंगे और जीत के रुवाएंगे। देखिए, आप 65 साल की कांग्रेस की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो 5 काम की बात कर रहा हूँ, मैं 15 गिना सकता हूँ। जो सबसे पहले उन्होंने आते ही प्रधानमंत्री आवास योजना 1,30,00,000 की आवास योजना उन्होंने दे रखी है। स्वच्छता के अभियान में आपने नंबर 1 दिया भारत वन के अंदर, माननीय उसको गृह मंत्री राजनाथ जी ने उतारा। तीसरा काम आपके अंदर स्वच्छता का दे रखा है उन्होंने, आपके स्वच्छता 2 बार हो गया मनोज जी, स्वच्छता हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या काम किए हैं जिसकी वजह से राजनाथ सिंह आएंगे, भाजपा का कमल आपको चमचमा रहा है? चमचमा रहा है और चमचमाता रहेगा। लखनऊ में चुनाव विकास का चुनाव, और विकास हिंदू मुसलमान देख के नहीं होता, विकास सबके लिए होता है। माननीय राजनाथ जी ने यहाँ जिस विधानसभा बने, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आगमन की है, उसके लिए 3 बड़े फ्लाईओवर जो काम चल रहे हैं। 3 मेट्रो कॉलेज जाने के लिए आप तुरंत चलिए फ्लाईओवर, सीधे मेट्रो कॉलेज बिना जाम। दूसरा, पूरे लखनऊ के चारों तरफ एक आउटर रिंग रोड दी है जिससे लखनऊ की सबसे बड़ी जाम की समस्या दूर होती है। तीसरा, आपका जो फ्लाईओवर पिछले 10 वर्षों से जो है रक्षा मंत्रालय के उसमें फंसा हुआ था, तो फ्लाई फ्लाईओवर वो उन्होंने चालू करा दिया, और ऐसे तमाम फ्लाईओवर जो है लखनऊ में बन रहे हैं। मेटाकाली में विश्व स्थिति रैन बसेरा, जिसमें मरीजों की के साथ जो ईमानदार आते हैं उनके आराम के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय राजनाथ जी ने करी है। तो वो सब व्यवस्थाएं, जो विकास हुआ है, ये किसी हिंदू या मुसलमान को देख के नहीं हुआ, ये विकास जनता के लिए हुआ है, और इसी विश्वास में राजनाथ सिंह अपनी 5 लाख वोटों से अंतर में जीतेंगे। यानी जो और कैंडिडेट हैं वो क्या डमी कैंडिडेट एक और आदमी है जो आपके जस्ट पीछे है? मैं एक बात और बोलने वाले कबाब खाएंगे, कबाब खा के चले जाएंगे, कबाब खाने आए अपना खाए वो लखनऊ की गलियां तो पता नहीं है। पूनम सिन्हा यहाँ किस देश पे चुनाव लड़ने आई है? और सोनाक्षी सिन्हा और अखिलेश यादव, पूरी टीम लगी हुई है उन्हें जिताने में। लखनऊ का इतिहास क्या है और इतिहास किस तरह बदलेगा आपको, यानी समाजवादी पार्टी क्यों? मैं आपको बता दूं, 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़े थे, और अटल जी के चुनाव लड़ने से जो अटल जी की सोच थी वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की सोच नहीं। अटल जी देश के एक महान नेता थे, और उनकी वजह से आज लालजी टंडन भी जीते और राजनाथ सिंह भी जीते। लेकिन लखनऊ शहर के अंदर माननीय अटल जी के टाइम में भी कोई विकास नहीं हुआ था, ना ही लालजी टंडन के टाइम में विकास हुआ था, ना ही राजनाथ सिंह के। आपके साथ ही कह रहे विकास की बयान आ गई है, मुझे बताएं कौन सा विकास? आप बताइए क्या नहीं हुआ, ये बताइए क्या हुआ। हमारे शहर के अंदर ये पोजीशन है कि जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, जगह जगह सीवर की नालियां बजबजाती रहती हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बरसात के टाइम में बच्चों को क्या कहते हैं स्कूल पहुंचाने में उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, कोई विकास नहीं हुआ। आपकी सरकार इससे पहले थी 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं ये काम किए? हमारी सरकार ने काम नहीं, हमारी सरकार ने काम किया है। उखाड़ा जनता ने क्यों? जनता ने नहीं उखाड़ा है, हमारी सरकार को जनता ने नहीं उखाड़ा है। हमारे 400 जनता ने उम्मीद है, लोकसभा की उम्मीद है कि लखनऊ में लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, लोकसभा चुनाव 1,00,000 वोटों से जीत रहे हैं।
आप लोग संजीव आपके पीछे आम जनता भी खड़ी है, उनसे भी सवाल लीजिए। ठीक है संजीव, आप बने रहिए जनता के बीच में। हम आप दर्शकों को लेकर चल रहे हैं सीधा मोहनलालगंज, जहां से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, कितना उत्साह है लोगों के अंदर अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए? तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है मोहल्ला क्षेत्र के जो जनता है वो काफी उत्साहित है और हमारे साथ चलिए आपको बता दें कि 7 राज्यों की कुल 51 सीटों पर मतदान है। यूपी की सीटें हाईलाइट है। सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि लखनऊ जाने से पहले हम थोड़ा हाल चाल अगर आपको इन सीटों का बता दें कि कई हाई प्रोफाइल चेहरे इस चरण में चुनाव में होंगे और जनता के लिए उनको चुनना एक कहीं ना कहीं रसाकसी वाली सिचुएशन हो सकती है जनता के लिए। लेकिन जो तमाम जो उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हैं उन पर सभी सीटों पर उन 14 सीटों पर जो मुकाबला होगा वो बेहद कड़ा हो सकता है। कड़ा एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात अमेठी की जाए, रायबरेली की जाए और खुद लखनऊ की अगर बात की जाए तो खुद गृहमंत्री मैदान में हैं और उनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी से पूनम सिन्हा और कांग्रेस से प्रमोद आचार्य कृष्ण भी मैदान में है। सीधा आपको लिए चल रहे हैं शशांक के पास लखनऊ के। शशांक, मैं चाहूँगा आप जनता के बीच जाएं और उन्हीं से पूछें कि वो अपना प्रतिनिधि इस बार कैसा चाहते हैं। शशांक, मैं चाहूंगा आप जनता के बीच जाएं, हो सकता है ये जो तमाम राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं वहां पे। मैं चाहूंगा जनता के बीच जाएं, उनकी जो समस्या है और उनका उत्साह है चुनाव को लेकर क्या है, उनसे बातचीत करें। ये बताइए, जिस तरह से विजय गुप्ता जी आप लोग यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित किए, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, और इन लोगों की बात है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, ऐसे में लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें तो क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार और क्यों? बच्चा बच्चा जानता है राजनाथ जी, चप्पा चप्पा भाजपा, अरे चप्पा चप्पा भाजपा, हर पार्टी का कार्यकर्ता राजनाथ सिंह को जिताएगा भाजपा का। इनके वहाँ सुबह इनसे अलग से पूछ रहे, ये भी कहेंगे कि सवाल ही नहीं उठता, हम समाजवादी के सिपाही हैं। शशांक जी, अगर बात की जाए लखनऊ सिपाही तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी आप टक्कर देती हुई दिख रही है? चाचा ले गए, चाचा क्या ले गए, चाचा क्या ले गए, पत्नी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इस समय टक्कर कौन दे रहा है यहाँ पे, सेकंड रनअप कौन रहने वाला है? देखिए सेकंड रनअप कोई भी रहने वाला है, सब मिल गए हैं, शायद हम लोग अपनी जमानत बचाने मिल गए, इसलिए अमेठी में सब मिलकर साथ आ रहे हैं, बनारस में सब मिलकर आ जा रहे हैं, कोई भी साथ में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध लड़ती थी, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय को समझ में आ गए कि देश को बचाने वाला नेता पैदा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी से पैदा हुआ है, समाज को बचाने देश हित के लिए वो काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए समाज पूरी तरह से मिल सके एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। इस वजह से हाथ तक भड़कम मची हुई है कि किस तरीके भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव है, पांचवें चरण के अगर चुनाव की बात करें, बड़े चेहरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऐसे में आपके यहाँ स्मृति ईरानी, दिनेश प्रताप सिंह, सभी लोग हैं, तो क्या लगता है कि पांचवें चरण में कितना अनाउंस होने वाला है? जो लोग पहले एक साथ में एक साल पे चिरते नजर आते थे, आज भाई हमने सामने आपके यहाँ की बात कर ले, दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया, जो कि सोनिया गांधी बड़े करीबी माने जाते थे, आज सोनिया गांधी के सामने खड़े और सनी देओल के प्रचार में आए थे, ऐसे में क्या लगता है कि क्या जो परंपरागत सीट है उस पर भाजपा कब्जा कर पाएगी या नहीं? भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप सोनिया की बात करें, राहुल की बात करें, ये दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या किया, रायबरेली या उनको अमेठी की याद तब आती है जब चुनाव का टाइम आता है, और स्मृति ईरानी ने आप लोगों ने प्रचार के पत्रचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि शायद 15 सालों में जितनी बार सोनिया की बात छोड़ दी, सोनिया तो बहुत पीछे,
राहुल गांधी जितनी बार 15 साल में नहीं आए होंगे उतनी बार सोनिया गांधी जी स्मृति ईरानी जी 5 साल में गई है और आप देखेंगे क्या माहौल होगा। बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पीछे याद आ रही है इस समय पे कि वक्त आने दे हम बता देंगे तुझे राहुल गांधी सोनिया गांधी हम अभी से क्या कहे क्या क्या चलिए शशांक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आने वाला चरण है ये जो पांचवा जो चरण है ये जरूर राजनीति के लिहाज से बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। इन पर बता दें इस चरण पर कुल 674 जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला होना बाकी है और मतदान जो है वो 6 मई को होना है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं वो हाईलाइटेड सीटें हैं क्योंकि तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस है और बात कहीं गठबंधन की भी अगर कर ली जाए तो उनके जो दिग्गज चेहरे हैं वो इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। फिलहाल ओवर टू नेशन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव।